अनादिकाल से आदि शक्ति देवी का वह अद्भुत धाम जहाँ पर सिद्ध वैरागी और साथ ही में योगी और गृहस्थ की होती है मुरादीपुरी। माता के इस दरबार में ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यहाँ आने वाला सिर्फ इंसान है। बात नवरात्रि की करेंगे, जहां पर नवरात्र पर्व आते ही विंध्यवासिनी माता के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। शारदीय नवरात्रि में यहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है। देश के कोने कोने से भक्त इस शक्ति पीठ में अपनी श्रद्धा निवेदित करने आते हैं। यहां देहिक देविक भौतिक कष्टों का निवारण होता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की शाहपुरा उमरिया मार्ग धीरवन कला के पास खुर्सी पार में अवस्थित है, जो कि शाहपुरा नगर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बिंदरगढ़ी माँ विंध्यवासिनी की सुप्रसिद्ध स्थान है, जो जंगल के बीचों बीच बसी हुई है, जहाँ लोग दुर्गम रास्ता पार कर दूर दूर से माँ के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। बिंदरगढ़ी विंध्यवासिनी माता की मुख्य मंदिर पताका ध्वज का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्र के समय माता रानी ध्वज में निवास करती है। वहीं बिंदरगढ़ी धाम से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर नाथों कुंड स्थित है। लोगों की मान्यता है कि उस कुंड में एक मछली रहती है, जिसके नथ पर सोने का नथनी पहने हुए है और निवास करती है, जिसे नथ वाली मछली के नाम से विख्यात है और इसी कारण इस कुंड का नाम नाथों कुंड पड़ा। इस कुंड में एक जल प्रपात है, जो कल कल की आवाज़ से लोगों के मन को मोह लेती है। साथ ही इस कुंड के साथ में गुफा भी यहाँ पर विराजमान है। इस जगह आने पर लोगों को शांति मिलती है और यहाँ का दृश्य और नज़ारा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर पिकनिक के रूप में भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब हम वही जो नाथों कुंड है उसी के बाजू में एक गुफा है। ये गुफा ही बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की मान्यता है जो भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पे चढ़ावा करते हैं और तंबाकू के रूप में यहाँ चढ़ाते हैं और ये गुफा है जो प्रसिद्ध है। कैमरामैन चाहूँगा कि थोड़ा दिखाए इस कुंड की, इस कुंड की दृश्य जहाँ से ऊपर से अभी पानी रिश्ता हुआ दिख रहा है या पूरे यहाँ पानी रिश्ते हुए नीचे गिर रहा है। ये यहाँ पे हैं जिनके भी यहाँ पे दर्शन किए लोग आते हैं और यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। और इस कुंड के साथ में ये गुफा है, गुफा बीचों बीच में है और यहाँ पे कैमरा मैन चाहूँगा पूरी गुफा है जो यहाँ से पूरी पूरी चट्टाने हैं, पूरे चारों तरफ चट्टाने हैं, उसको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से पूरे पानी दिख रहा है, पूरे पानी रिश्ता हुआ दिख रहा है, पूरे पानी रिश्ते जा रहा है, यहाँ पे पूरी दिखाए और ये बहुत ही नीचे का पूरा गहरा है। दरबार में जो कि एक विंध्यवासिनी के नाम से माता एक विंध्य जंगल में यहाँ पे विराजमान है और यहाँ के पंडाओं से जानकारी लिया गया कि जो यहाँ माता जी की जो यहाँ प्रांगण है और वहाँ पे छत नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि कहते हैं कि माता जी नहीं चाहती कि यहाँ पे ऊपर उनको छत डले और यहाँ पे वो फेंक रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो यहाँ माँ की इच्छा होती है वही होती है, इसलिए आज भी यहाँ का छत नहीं डला गया। कैमरा मैन से दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरें दिखाएं और यहाँ की जो छत है वो अभी तक नहीं ढली है क्योंकि माता जी की इच्छा नहीं है और जिस दिन माता जी की इच्छा हो जाएगी और माता जी चाहेंगे तो ये छत भी ढल जाएगी। कैमरा वॉइस ऑफ राइट्स के लिए डिंडोरी से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।